कि क्यों करती हो इतना सिंगार, बिहार का तापमान बदल जाएगा। क्यों करती हो इतना सिंगार, बिहार का तापमान बदल जाएगा। अरे बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़ों का भी ईमान बदल जाएगा। कहना है हाँ, खुश हो सकते हैं, हो सकते हैं खुल करके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बार आवाज़ भाव में थोड़ा सा कहेंगे। आइए कहते हैं इन हुस्न के जलवाने मेरा होश उड़ाया था, मुझे जो दीवाना डाला, मुझे रोगी बना डाला, मेरा इश्क दीवाना था, क्या बात, दिल टूट ही जाना था। हर जगह डांस करना जरूरी नहीं, आंख में आंख मिला करके थोड़ा सा भाव दे दीजिए, वही क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाएगा। अरे भाव देना भी चीज होता है, भाव दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका बहुत आपका बोले ना फैन है, लेकिन बस भाव कहीं कहीं भाव, अभी हम रिदम नहीं बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है, तो क्या देना है, भाव देना एकदम सच में डूब गए। समझ लीजिए कुछ देर के लिए कि हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं, लवर जो होता है वो समझ समझकर वो समझना, तब ये एक्ट निकलेगा अंदर से, क्या होगा तब तो एक्ट निकलेगा। चलिए 1 2 3 4 दिल मेरा है, शीशे का दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। दिल टूटने का बड़ा खतरनाक रिएक्शन देते, शीशे का दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया है, दिल टूट गया, शीशे का दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। देखिए सबसे पहले प्यार जब होता है तो आंख से ही दीदार होता है, इसलिए सब चीज ये नैना का दोस्त है। नैना मतलब नाम मत सोचिएगा, नैना मतलब आंख, सब आंख का दोस्त होता है, इसलिए कहा गया है अनजान मिला मुझको मेरी आंख लड़ाई का। मैडम थोड़ा प्यार वाला फीलिंग दीजिए, प्यार किए हैं नहीं किए हैं आहिरे तोरे, जब जिंदगी में प्यार ही नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार है, प्यार नहीं किए हैं, किए हैं हाँ तो वो फीलिंग थोड़ा देते रहते। अच्छा देखिए प्यार नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि प्यार क्या है भैया, प्यार के बिना कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। पहला बार इंसान जन्म लेता है तो माँ का आंचल का प्यार मिलता है, ये तो है, और थोड़ा बड़ा होता है तो पिता का प्यार का असर दिखता है, और थोड़ा और बड़ा होता है तो भाई बहन का प्यार दिखता है, लेकिन आजकल की छोड़ा है सब लड़की के प्यार में पागल रहता है, है कि नहीं? तो थोड़ा सा फीलिंग हमको गाली दे रहे का, तो थोड़ा थोड़ा सा लपको झपको होना चाहिए, स्टेज है कि नहीं?
जब आप लपको झपको करेंगे तो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको मजा आएगा क्या भैया? हाँ, गाली आपको नहीं दे रहे हैं लेकिन गाली जिनको दे रहे हैं वो समझ नहीं सोच रहे जो कहा आके हमको फंसा दिया गया यही बात है ना। देखिए लाइव डांसर अलग होती है और स्टेज मतलब रिकॉर्डिंग डांसर अलग होती है, इसलिए इनको भी थोड़ा सा ये लग रहा है लेकिन हम माहौल वाला चलिए। अंजाम मिला मुझका भोजपुरी भाव में। देखिए भोजपुरी गलत नहीं है, उसका बहुत ही प्यारा सा एक गाना है। हो पिया और क्या देवर तानी देवर तानी हम भी थोड़ा सा कह देते हैं भोजपुरी में। और ये गाना जो मैं अभी भोजपुरी में कह रहा हूँ हमारे जितने भी चाचा जी लोग हैं उनके टाइम का सुना लाले लाले से लाले लाले। देखिए मैं रॉक भोजपुरी नहीं गाता, जो अच्छा भोजपुरी है भोजपुरी भी अच्छा होता है वही गाता है। ये सब गाना बहुत ही दिल को छूने वाली लाले लाले लेकिन भाव अगर ऐसा हो जाए थोड़ा सा लगता है रॉक। लाले लाले हवा से बरसे जैसे दुर्गा तुम भी कह दो काहे बची रहे चिरंजीव जब बोलिए लिया तो तुम भी कुछ बोलो कह हल 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 लागे बोली पाती भोजपुरी हुआ एक मैथिली में हो जाए जो अभी का दौर चल रहा है उस स्टेप पर। मैं संजर पर मैसेज कर दो का भैया मैं संजर पर मैसेज कर दो दिल के हमर मल लाए एमहर से लिखबो तू केहन छे मैथिली समझ में आ रहा है बंगाल वाले तो कहां से मैथिली समझ में मिथिलांचल का शेर तो है ये बेटा वो एमहर से लिखबो तू केहन छे मतलब इधर से हम लिखेंगे कि आप कैसे हैं ये हम बोल ठीक है ना।
एमहर से लिखबो तू के हन छ ओमहर से लिखी है फाइल के तू बगल रे तू बगल झड़स जब बाल सैया जी